देसी दारू के काले धंधे को बंद करने के लिए सरकार ने पूरे गुजरात में, क्या सच में कोई धंधा छोटा नहीं होता है और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है? सच में, लेकिन जब तक उससे किसी का बुरा ना हो, समझा? ये इसने लूटा हमारा माल। किस 90s की हीरोइन की होगी फिल्म में एंट्री, किसको 10 गुना फीस देने को तैयार थे अनिल कपूर, कितना होगा फिल्म का बजट? वाह क्या सास हो तुम, अभी तक बहू के हाथ की मेहंदी तक ना छूटी और तुमने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। फिल्म बेटे का ये डायलॉग हमें फिल्म की हीरोइन माधुरी से सुनने को मिलता है। फिल्म में तो माधुरी को अपनी सास का असली रंग पता चल गया था, पर अब माधुरी ने भी फिल्म के मेकर्स को अपना रंग दिखा ही दिया है। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं साल 1992 की फिल्म बेटा के सीक्वल की, जिसने इन दिनों बॉलीवुड के बाजार काफ़ी गर्म कर रखे हैं और फिल्म के सीक्वल ने अपने 30 ईयर्स पुराने होते हुए ही ट्रेंड करना शुरू कर दिया था। तो जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि अपनी ओल्ड एज इमेज, अपनी कॉन्शियस के चलते माधुरी ने टाइगर की मां बनने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि इस बात पर अभी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, पर अब लगता है कि फिल्म के पत्ते धीरे धीरे खुलते नजर आ रहे हैं और सीक्वल में माधुरी के एग्जिट होते ही 90s की एक और अदाकारा ने फिल्म में एंट्री मारी है और ये कोई नहीं है बल्कि बी टाउन की यंग एज एक्ट्रेसेस को कॉम्पिटिशन देती एक्ट्रेस तब्बू है। 90s के दशक में तब्बू के जादू बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी छाया रहा और तब्बू की गिनती उन एवरग्रीन एक्ट्रेसेस में होती हैं जिन्होंने फिल्मों से कभी ब्रेक नहीं लिया हो। अब एक बार फिर तब्बू बेटा के सीक्वल में माँ का रोल में नजर आ सकती हैं और सोर्सेस की माने तो मेकर्स ने इस बार अपने तब्बू से कॉन्टैक्ट किया है, पर अभी तक तब्बू की तरफ से कोई भी जवाब उन्हें नहीं मिला है, जिससे मेकर्स काफ़ी उलझनों में पड़ते नजर आ रहे हैं और एक तरफ जगह की ऐसी है कि बीच में पड़ती रुकावटें उन्हें परेशान कर रही हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों माधुरी के साथ साथ तब्बू भी अपनी अनिल कपूर के साथ काफ़ी अच्छी दोस्त हैं और तब्बू और अनिल कपूर ने विरासत और बीवी नंबर 1 जैसी फिल्मों में साथ काम किया है। तब्बू और अनिल के रिश्तों में उस वक्त कड़ावत नजर आई थी और तब्बू ने अनिल कपूर के टीवी शो 24 में काम करने से मना कर दिया। एक इंटरव्यू के दौरान अनिल कपूर ने इसके पीछे के सच बताया। दरअसल खबरें ये आ रही थी कि तब्बू ने इस शो को पैसे के लिए करने से मना कर लिया है। तब्बू शो के लिए ज्यादा पैसे की डिमांड कर रही थी पर अनिल कपूर से ये हो नहीं सका और इस खबर पर अनिल ने अपना बयान देते हुए कहा कि आप सबको ये साफ साफ बताने की जरूरत है कि शो में तब्बू के नाम आने की वजह फीस का इशू नहीं है। तब्बू मेरी खास दोस्त है और मैं तब्बू को शो के लिए 10 गुना फीस तक देने को तैयार हूँ। तब्बू हमारे शो के हिस्सा नहीं, अपनी डेट्स की कमी के चलते नहीं बन रही हैं और पर अगर आने वाले वक्त में हम एक साथ काम जरूर करेंगे। इसके बाद तो तब्बू और अनिल भले ही साथ काम करते नजर नहीं आए हैं पर दर्शकों के लिए 90s की इस सुपरहिट जोड़ी को एक बार फिर से बड़े पर्दे पर देखना काफ़ी रोचक साबित होने वाला है। दोस्तों फिल्म अपनी स्टार कास्ट के साथ टाइगर की फीस के लिए काफ़ी चर्चा में रह चुकी है और सोर्सेस की माने तो इस फिल्म के लिए टाइगर 30-35 करोड़ रुपये चार्ज करने वाले हैं। वहीं अब फिल्म का बजट भी सामने से मारा है और जहां बजट में टाइगर अनिल कपूर जैसे सितारों की फीस शामिल है, वहीं फिल्म की लोकेशन भी उसका बजट बढ़ा रही है और साल 1992 की इस फिल्म का बजट 2.85 करोड़ रुपए था और अब जो कि फिल्म एक सस्पेंस थ्रिलर होने वाली है तो फिल्म का बजट 100 करोड़ के ऊपर बताया जा रहा है। तो क्या बजट से ज़्यादा कमाई कर पाएगी फिल्म? आपकी फिल्म को लेकर क्या राय है ये आप हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ, तब तक खुश रहें, सेफ रहें, बने रहिए हमारे साथ।